नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जिस तरह से सबसे बड़े गुनहगार रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिटानी था, अब बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक और बड़े इंसान आ चुका है। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले का एक साल बीतने के बाद ये बुजुर्ग रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में क्यों आया? इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी गुनहगार रिया चक्रवर्ती ही सामने आई थी और उसके खिलाफ ईडी को बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिले थे जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों के लिए जेल भी हुआ था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग यानी कि जूलियो रिपेरो, जो कि रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहता है, और जूलियो रिपेरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। वही जूलियो रिपेरो ने यह भी साफ साफ कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी पैसा उड़ाया गया था वो रिया चक्रवर्ती के द्वारा नहीं उड़ाया गया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त थे और कहीं ना कहीं उनके गर्लफ्रेंड थी, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती अपने ही बॉयफ्रेंड का इस तरह से खात्मा नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं जूलियो रिपेरो का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रिया चक्रवर्ती को फंसाना चाहता था। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार आए, बहुत सारे ऐसे नेता लोग आए जो कि रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी एविडेंस बन सकती है और सबसे बड़ा सरकारी गवाह बन सकता है उन लोगों के खिलाफ जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले से जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी सलमान खान, करण जौहर और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें उद्धव ठाकरे भी रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस थे वो लोग काफी प्रदर्शन कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत सारे ऐसे बयान सबूत सामने ला दिए थे, जिसके आधार पर ईडी की टीम और सीबीआई की टीम ने काफी छानबीन की और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सिद्धार्थ पिटानी को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जूलियो रिपेरो का कहना सच है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? क्योंकि जूलियो रिपेरो जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले का एक साल बाद सामने क्यों आया और उन्होंने इतने बड़े बयान आखिर क्यों सामने रखा कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? आखिर जूलियो रिपेरो को क्या मालूम है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में, जो कि जूलियो रिपेरो बताना नहीं चाहते और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाने वाला है? तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि सीबीआई की टीम जूलियो रिपेरो के इस बात पर क्या रिया चक्रवर्ती को रिहा कर देता है या उन पर जितने भी मामले लगे हैं उसको क्लियर कर देता है। अब जैसे ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई की टीम कोई भी बड़ा एक्शन लेता है, उसका कोई भी बड़ा अपडेट सामने आएगा, तो मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले का सबसे बड़ा आरोपी सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती ही है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अब खात्मा होने वाला है और कहीं ना कहीं ये लोग बचने के लिए ही रिया चक्रवर्ती को जो कि सीबीआई के नजर से छुड़ाना चाहता है। और ये जूलियो रिपेरो का क्या कहना था, क्या ये सच है या झूठ है, या रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में किस लिए आया, सीबीआई जैसे इसके बारे में कुछ बड़ा अपडेट देता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।